हेलो फ्रेंड्स, राबिया किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटन। तो चलिए फटाफट से मटन बनाना शुरू करते हैं। मटन बनाने के लिए मैंने यहाँ आधा केजी मटन लिया है। मटन के पीसेस काफ़ी बड़े हैं, तो पहले हम इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने जो मटन लिया है उसमें बिल्कुल भी हड्डियाँ नहीं है। तो इस मटन को हमें बहुत ज़्यादा पानी डालकर या फिर बहुत ज़्यादा देर तक पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस मटन को हम धीमी आंच पर ही ढककर पकाएंगे और ढककर पकाते हुए में ही फ्राई करते हुए ही ये मटन अच्छी तरह से पक जाएगी। इसकी जगह अगर हम हड्डी वाले मटन लेते तो उसे पकाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसे पकाने के लिए हमें ग्रेवी ज़्यादा लगानी पड़ती है या फिर उसे कुकर में पकाना पड़ता है। मटन के सारे बड़े पीसेस को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, तो अब हम इसे धो लेते हैं। तो ये देखिए, हमने मटन अच्छी तरह से काट कर इसे अच्छी तरह से धुल लिया है। तो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मटन बनाने के लिए हमें जिन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी वो है प्याज। तो मैंने यहाँ 5 बड़े साइज़ के प्याज को काट लिया है। साथ ही मैंने लहसुन, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट बनाकर ले लिया है। इसके अलावा मसाले में मैंने 2 चम्मच के करीब धनिया लिया है, नमक लिया है जो हम स्वाद के अनुसार डालेंगे, 1/2 चम्मच गर्म मसाला लिया है, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर ली है और हल्दी लिया है। इसके साथ ही 2 तेज पत्ते लिए हैं, 2 सूखी लाल मिर्च ली है, 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी, 2 लौंग, 3 से 4 काली मिर्च ली है। तो चलिए अब मटन बनाना शुरू करते हैं। मटन बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई बैठा दिया है और उसमें 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, सूखी लाल मिर्च और तेज पत्ते। और जब ये अच्छी तरह से चटक जाए तो इसमें हम डाल देंगे प्याज। प्याज डालकर हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे या फिर तब तक भून लेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए, यानी हल्का भूरा ना हो जाए। तो प्याज को भूनते हुए हमें करीब 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें डाल देते हैं मटन। देर और भून लेंगे। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे जीरा, लहसुन, काली मिर्च का पेस्ट जो हमने पहले ही तैयार करके रखा था। अच्छी तरह से मिलाकर इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे नमक, मिर्च, हल्दी, इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। हाई फ्लेम पर ही इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे धनिया पाउडर और इसे फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें हम डाल देंगे करीब 1 कप पानी। पानी डालकर एक बार फिर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे ढककर पकाएंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इसे ढककर बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाएंगे जब तक कि मसाले का पानी अच्छे से सूख ना जाए और मटन में किनारे किनारे तेल ना दिखने लगे।
फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम पर ही हमने मटन को बीच बीच में चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। मसाला भी अच्छे से भुन चुका है, जिस वजह से मटन के चारों तरफ तेल दिखने लगा है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच मीट मसाला। मीट मसाला डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे और तेज आंच पर इसे 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। एक मिनट हो चुके हैं और इसमें अब हम ग्रेवी के लिए पानी लगा देंगे। आप ग्रेवी कैसा चाहते हैं, कम चाहते हैं या ज़्यादा चाहते हैं, उस हिसाब से पानी लगाएं। पानी लगाने के बाद इसे हम 2 मिनट के लिए तेज आंच पर ही ढककर छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे ढककर करीब 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। और 1 मिनट बाद हमारा मटन पूरी तरह से खाने के लिए बनकर तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट बाद हमारा मटन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक बार चला लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मटन बनाने की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबाएं।